कई बार आपको अपने लाइफ में इस तरह का सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां आप कहते हैं, मुझे किसी काम को करने का मन नहीं है, जैसे मुझे शादी करने का मन नहीं है, या मुझे पैसे लौटाने का मन नहीं है, मुझे उस पार्टी में जाने का मन नहीं है, मुझे यह खाने का मन नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ आप कहते हैं किसी इंसान को कोई काम करने का मन नहीं है को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सकें। अगर आपको कहना हो मुझे शादी करने का मन नहीं है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम रिलक्टेंट टू मैरी। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में बोला आई एम रिलक्टेंट यानी मुझे मन नहीं है। अगर कहना हो उसे मन नहीं है तो आप कहेंगे ही इज रिलक्टेंट। आपको मन नहीं है, यू आर रिलक्टेंट। उन लोगों को मन नहीं है, दे आर रिलक्टेंट यानी उन लोगों को मन नहीं है। अगर आपको कहना हो मुझे वहां जाने का मन नहीं है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम रिलक्टेंट टू गो देयर। मुझे उस पार्टी में जाने का मन नहीं है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम रिलक्टेंट टू अटेंड दैट पार्टी यानी मुझे उस पार्टी में जाने का मन नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता दूं मैंने बोला पार्टी में जाना, लेकिन वर्ड जाने के लिए मैंने लिखा अटेंड, क्योंकि जब किसी पार्टी में जाने की बात हो तो वहां पर हम अटेंड का इस्तेमाल करते हैं जिसका मतलब होता है पार्टी में जाना या पार्टी में शामिल होना। अगर आपको कहना हो उसे पैसे लौटाने का मन नहीं है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज रिलक्टेंट टू रिटर्न मनी यानी उसे पैसे लौटाने का मन नहीं है। मुझे आपसे बात करने का मन नहीं है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम रिलक्टेंट टू टॉक टू यू यानी मुझे आपसे बात करने का मन नहीं है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम पास्ट में कैसे बोलें। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा इस तरह के सेंटेंसेस को पास्ट में बोलने के लिए आप इजारम की जगह वॉचवर का इस्तेमाल करें। जैसे मुझे चाय पीने का मन नहीं था तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वॉज रिलक्टेंट टू टेक टी यानी मुझे चाय पीने का मन नहीं था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि इस तरह का सेंटेंस है जहाँ आप कहते हैं किसी इंसान को कोई काम करने का मन नहीं है, दिल नहीं है, इच्छा नहीं है, आरजू नहीं है को बोलने के लिए आप इस टॉपिक का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। अगर वाकई आपको यह टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।